डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम को प्रैक्टिस के लिए स्थायी हॉल उपलब्ध करवाने बाबत एवं नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम को राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज क्रीडा संकुल नियडाम पार्क में प्रैक्टिस के लिए हॉल की मांग को लेकर नागपुर शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम के खिलाड़ियों के साथ मिलकर महानगर पालिका में आंदोलन कर नारेबाजी की गयी। साथ ही मनपा के आते में खेल खेला यह देख क्रीडा अधिकारी पीयूष आम्बुलकर अपने दफ्तर के तीसरे माले से नीचे उतर कर आए। क्रीडा अधिकारी को वसीम खान ने बताया कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम जो कि कई वर्षों से नागपुर डिस्ट्रिक्ट को प्रतिनिधित्व करती है और इसके 4 से 5 प्लेयर्स महाराष्ट्र टीम में भी अपना जलवा बिखेर के आते हैं। नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम ने स्टेट लेवल में 33 चैंपियनशिप मैच में अभी तक 27 बार चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सेपक टाकरा एशियन गेम है जिसकी जर्नी नागपुर शहर में हुई, फिर पूरे देश में इस गेम को खेला गया और बड़े अफसोस की बात है कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम के पास प्रैक्टिस करने के लिए इंडोर हॉल तक नहीं है, जिस वजह से प्लेयर्स आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं जिससे कई प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट टीम व प्रदेश की टीम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आज जो हमारा आंदोलन है, ये एक सेपक टाकरा कर गेम होता है जो कि एशियन गेम में आता है और इसके ओरिजिन, इसका जन्म जो है वो नागपुर शहर में हुआ। नागपुर सेपक टाकरा की जो टीम है 33 चैंपियनशिप अभी तक हो चुकी है और इन्हें 27 बार चैंपियनशिप का खिताब लिया है और बड़ी अफसोस की बात है कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम के पास एक इंडोर हॉल भी खेलने के लिए नहीं है, जिसके वजह से इनको आउटडोर में प्रैक्टिस करना पड़ता है और उस प्रैक्टिस की वजह से कई प्लेयर इंजर्ड होते हैं जिससे कि बड़ा टीम को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसमें से कई प्लेयर है जो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, कई प्लेयर है जिनका आगे फ्यूचर इंडियन टीम में है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इनके तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। और ये जो नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा के प्लेयर आपको मेरे साथ मौजूद दिख रहे हैं, इनमें से कई प्लेयरों ने महाराष्ट्र में भी अपना परचम लहराकर आया है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट की टीम में और कईयों का फ्यूचर इंडियन डिस्ट्रिक्ट टीम में। हमारी मांगों को लेकर हम क्रीडा अधिकारी को अभी निवेदन देने वाले हैं कि इनको जल्द से जल्द एक इंडोर हॉल जल्द से जल्द उपलब्ध करवाओ, और जब तक इंडोर हॉल उपलब्ध नहीं होता है तो रमन साइंस के बाजू जो क्रीडा संकुल है वहाँ पे इनको 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे खेलने के लिए इंडोर हॉल में प्रैक्टिस करने के लिए जगह दीजिए। और आखिर में खान ने कहा कि कृपा कर नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम को राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज क्रीडा संकुल नियडाम पार्क में प्रैक्टिस के लिए हॉल दे और नागपुर शहर में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेपक टाकरा टीम के लिए एक स्थायी हॉल उपलब्ध करवाए। इसे क्रीडा अधिकारी ने बताया कि राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज क्रीडा संकुल निडहम पार्क टेनिस कोर्ट है जिसे हम अभी नहीं दे सकते, अभी रामनगर में आउटडोर खेल शुरू करें, 1 वर्ष के अंदर सेपक टाकरा इंडोर हॉल तैयार कर दिया जाएगा, जिसके बाद वसीम खान और पूरे खिलाड़ियों ने क्रीडा अधिकारी का धन्यवाद किया। इस मौके पर खिलाड़ी और साथ ही अल्पसंख्यक के पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।